प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ बनारस से अपना नामांकन किया है। इस वक्त भी जिलाधिकारी दफ्तर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं, नरेंद्र मोदी और उनके साथ उनके चारों प्रस्तावक इस वक्त यहीं जिलाधिकारी दफ्तर में मौजूद हैं। प्रधानमंत्री का ये तीसरी बार बनारस से नामांकन क्यों अहम है, इस पर लगातार बात भी कर रहे हैं और लोगों से भी बात कर रहे हैं। यहाँ आपको बताएं कि सृष्टि भी मेरे साथ हैं, अनामिका पांडे भी जुड़ी हुई हैं और आपको एक एक तस्वीर बनारस से आज दिखा रहे हैं। अहम उनका नामांकन है, लेकिन उसी के साथ साथ जो संदेश बनारस से जा रहा है, एक सांसद ने लोगों को अपने साथ कैसे जोड़ा है और उसके लिए 10 साल में क्या कुछ किया है, ये काशी मॉडल क्या नरेंद्र मोदी को दो चुनावों के बाद भी 24 में जीत दिलाएगा, सबसे बड़ी बात यह है। और क्या एक बड़े मार्जिन से जो अभी तक 14 और 19 में नहीं हुआ, क्या वो अब बनारस से होगा, सबसे बड़ी बात यह है। 2019 और 14 के बाद क्या ये नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा चुनाव है जी? क्यों लगता है ये जीतने के बाद बनारस का वो विकास होगा, सुरक्षा का विकास और जो जनता है उनके लिए तत्पर है हमेशा, जितनी कि 10 लाख और से उनके खिलाफ कोई खड़ा नहीं हो सकता। अच्छा सर, आप बताइए यहाँ पर और भी तो प्रत्याशी होंगे जो बनारस से लड़ रहे होंगे चुनाव, उनकी सर जमानत, कोई किसी प्रत्याशी में कोई वो नहीं, दम नहीं है। यहाँ से प्रधानमंत्री जी हैं इसलिए? नहीं नहीं, ऐसे भी प्रधानमंत्री हैं तो ये तो अलग मुद्दा है, लेकिन ऐसे भी जो प्रत्याशी हैं उनमें कोई, सर एक मिनट, अपने पैसे से अगर किसी प्रत्याशी को चुनाव लड़ना होगा तो नहीं लड़ेगा, वो जान रहा कि हार जाएंगे, क्या फायदा। लेकिन वो तो पार्टी से पैसा मिलता है, खान खर्चा मिलता है, वही में 20 लाख मिलेगा, 1 करोड़ मिलेगा तो 10 लाख 5 लाख 10 हजार बच जाएगा, तो ये बदे सब लड़ते हैं। अच्छा, आप क्या करते हैं सर, सुबह से यहाँ आए हुए हैं, काम क्या करते हैं? हम तो अभी रिटायर हो गए, यहीं पे घर मकान बनवा रहे हैं। तो रिटायर हो गए तो क्या, अच्छा तो थोड़ा समय निकाल के आ गए काम वाम में से। अच्छा आप बताइए, आप क्या करते हैं? हम तो जॉब करते हैं मोदी में। तो आज छुट्टी लेकर आए? हम चंडीगढ़ से छुट्टी लेके आए हुए हैं ये नामांकन देखने के लिए, और यहाँ का हमारा वोट है, हम मोदी जी को जब तक वोट नहीं दे देंगे तब तक यहाँ से जाएंगे। अच्छा, 1 जून तक यही रहेंगे आप? जी। और का? अरे वाह, 1 जून तक यही रहेंगे आप? आप तो मोमो का स्टॉल लगाते हैं तो नुकसान नहीं हो रहा? अभी अभी यहाँ आए हुए हैं, स्टॉल चल नहीं रहा, हो रहा है घर पे काम हो रहा है। अच्छा, घर पे काम हो रहा है, आपने कहा आप संभालो, मैं अभी जरा नामांकन के लिए मोदी जी को देखने के लिए आए हैं। हाँ सर, ये तो वकील है, आप क्या करते हैं? हम तो यही विकास भवन में नौकरी। अच्छा, तो मैं इसीलिए पूछ रही हूँ कि बाकी लोग सब अपना काम वाम छोड़ कर आए हैं नामांकन। सर आप बताइए क्या काम करते हैं आप? मैं एडवोकेट हूँ। अच्छा, तो आज नामांकन के लिए समय निकाल लिया, कचहरी बंद कर दी? हाँ थोड़ा सा बंद कर दिया। मोदी जी को आज कचहरी न्यायिक कार्य से विरत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला निकल रहा है, जो तस्वीर आ रही है इस वक्त, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त, ये बताया जा रहा है गाड़ियां लग गई है, प्रधानमंत्री किसी भी समय यहाँ पर अपने जिलाधिकारी दफ्तर से निकलेंगे। हलचल बढ़ गई है, वहां से एक संकेत आया है प्रधानमंत्री की काफिला अब किसी भी समय यहाँ से निकलेगा। आप सोचिए, जैसा कि हमने प्रधानमंत्री को देखा है, वो जिस भी जगह जाते हैं और वो देखते हैं कि वहां पर जनता उनके लिए इंतजार कर रही है, खासकर काशी में, तो वो 1 सेकेंड रुकते जरूर है लोगों की तरफ हाथ हिलाने के लिए या उनको बताने के लिए कि मैं इस बात को नमन कर रहा हूं कि आप लोग मेरे लिए इंतजार कर रहे हैं और इस भरी दोपहर में इंतजार कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर भी प्रधानमंत्री थोड़ी देर शायद यहाँ गाड़ी में बैठने से पहले लोगों की तरफ आए या फिर गाड़ी से ही लोगों की तरफ हाथ हिलाएंगे, अभिवादन करेंगे। थोड़ा देखना होगा, इंतजार करना होगा। जैसा मैंने बताया, प्रधानमंत्री का नामांकन है और उस नामांकन के बाद अब प्रधानमंत्री का आज का जो बनारस का दिन है उसमें एक और कार्यक्रम बचा है, जो कि रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर पर जाकर उनकी एक बैठक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाहर आ गए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नामांकन संपन्न हुआ है और वो बाहर आए हैं। ये प्रधानमंत्री की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नामांकन संपन्न होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और प्रधानमंत्री के लिए, जैसा मैंने कहा कि उनके व्यक्तिगत और सियासी जीवन के लिए भी ये एक अहम पड़ाव है, जब वो अपना नामांकन करके तीसरी बार काशी, तीसरी बार नामांकन बनारस से, तीसरी बार यूपी के इस प्राचीनतम शहर से, दुनिया के प्राचीनतम शहर से ये नामांकन किया है। जाएगा रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर और ये जरा देख लीजिए, ये तस्वीर देख लीजिए जरा, एक तरफ से जय घोष है और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सभी नेताओं के साथ, उनके साथ अनुप्रिया पटेल उनके साथ मौजूद है, राजनाथ सिंह उनके साथ है, जेपी नड्डा उनके साथ है, सब नेता साथ
तो सीधा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वाराणसी कलेक्ट्रेट के बाहर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस से तीसरी बार अपना नामांकन भर के बाहर निकलते हुए। एनडीए के तमाम वो बड़े दिग्गज नेता जो आज काशी में मौजूद हैं, वो इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री उस वक्त इस तस्वीर में आपको नजर आ रहे होंगे। यानी कि ये तस्वीर आज पूरे दिन की सबसे शक्तिशाली तस्वीर कही जाए तो शायद गलत नहीं होगा। पीएम के नामांकन के बाद की ये तस्वीर, अब प्रधानमंत्री बाहर निकलकर सभी लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए यहां से सीधा वो रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर जाएंगे जहां पर प्रबुद्ध जनों के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। लेकिन आज काशी की धरा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार अपना नामांकन दाखिल किया है। तीसरी बार वाराणसी से नामांकन दाखिल करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब अपने सभी साथियों के साथ कलेक्ट्रेट से बाहर निकलते हुए, और ये वो ऐतिहासिक तस्वीर है जो इस बात के गवाही दे रही है कि प्रधानमंत्री बनारस से बतौर सांसद हैट्रिक लगाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। 2014 का वो वक्त याद करिए जब प्रधानमंत्री ने पहली बार वाराणसी से अपना नामांकन दाखिल किया था। 2013 के आखिरी के वो महीने जब बतौर प्रधानमंत्री चेहरा नरेंद्र मोदी को बीजेपी ने बनाया, उसके बाद से उनकी उम्मीदवारी कहां हो, काशी को चुना गया प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी के लिए 2014 में बतौर सांसद पहला नॉमिनेशन, और आज हैट्रिक लगाने के लिए 2024 वो साल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी की धरती से अपना नामांकन फाइल कर दिया है। यह तस्वीर अब यहां से अगले कार्यक्रम के लिए प्रधानमंत्री प्रस्थान कर रहे हैं, लेकिन काशी की सरजमी से आज आ रही एक एक तस्वीर ये बताने के लिए काफी है कि जनता प्रधानमंत्री को लेकर कितना उत्साहित है। वाराणसी की सड़कें लोगों से पटी पड़ी हैं, लोग बस सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री की एक झलक देखना चाहते हैं, एक झलक अपने प्रधानमंत्री को वो देखने के लिए सुबह से इस कड़ी धूप में इंतजार कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री जब कलेक्ट्रेट से बाहर निकले, कैसे वहां पर मौजूद लोगों का अभिवादन उन्होंने किया, वो तस्वीर भी हमने आपको दिखाई। यानी कि कल प्रधानमंत्री के रोड शो से लेकर आज प्रधानमंत्री के काशी से नामांकन को लेकर एक एक तस्वीर अपने आप में अविस्मरणीय है, एक एक तस्वीर अपने आप में अकल्पनीय है, और एक एक तस्वीर ये बताने ये जताने के लिए काफी है कि कैसे लोग बस अपने प्रधानमंत्री की बस एक झलक पाने के लिए लालायित हैं। सीधा ग्राउंड जीरो पर आपको ले चलेंगे, बड़ी टीम रिपब्लिक की एक एक मोर्चे पर इस वक्त तैनात है। अनामिका, क्या तस्वीर इस वक्त आप देख पा रही हैं, क्योंकि कलेक्ट्रेट से प्रधानमंत्री अब निकल चुके हैं रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर के लिए। अनामिका, मैं रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर पे हूँ वैभव इस वक्त, और जैसा कि सुचरता तस्वीर दिखा रही थी, कलेक्ट्रेट ऑफिस के बाहर लोग बड़ी संख्या में मौजूद थे। यहाँ पर भी देखिए संजीव, तस्वीर दिखाइएगा कि प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए, हालांकि मनाही है यहाँ पर किसी के खड़े होने की, बार बार पुलिस वाले लोगों को हटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि यह सभी लोग प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए यहाँ पर खड़े हुए, तो इनसे ही बात करती हूँ। क्यों देखना चाहते हैं पीएम को? पीएम ने हमारे बनारस में जितना काम किया, बहुत बढ़िया काम किया है, इसलिए सारी जनता यहाँ चाहती है, यहीं की क्या पूरे देश की जनता चाहती है कि वो फिर से प्रधानमंत्री बने। तीसरी बार नॉमिनेशन कर रहे हैं प्रधानमंत्री यहाँ से, तीसरी बार नॉमिनेशन कर रहे हैं प्रधानमंत्री यहाँ से। आगे कुछ लोग हैं, मैं इनसे एक बार बात करती हूँ, थोड़ा हटिएगा भैया, साइड होइएगा। प्रधानमंत्री नामांकन तीसरी बार यहाँ से कर रहे हैं और आप लोगों को देखने के लिए खड़े हुए हैं जी, क्यों देखना चाहते हैं? खाली देखेंगे ही तो दूर से क्या हो जाएगा उससे? हमारा मतलब वो बढ़ जाएगा, मतलब क्या हम आपको बताएं क्या बढ़ जाएगा, मतलब देखने के लिए खाली मतलब क्या बढ़ जाएगा, वो बढ़ जाएगा, क्या बढ़ जाएगा? कहने मतलब इज्जत, मतलब खुद पे एक इज्जत उत्साह है एक देखने के मतलब लिए। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप अपनी नजर में ऊंचे हो जाएंगे कि आपने प्रधानमंत्री को देखा है। क्यों खड़े हैं भैया यहाँ पर इतनी देर से? मैम, प्रधानमंत्री को देखने के लिए सभी लोग यहाँ खड़े हैं, और बहुत गर्व की बात है कि हमारे यहाँ पे प्रधानमंत्री आ रहे हैं, वरना इससे पहले तो कोई नहीं आता था, कोई वाराणसी नहीं आता था इससे पहले। आते थे लोग, आते थे, और आज हम देखने के लिए इसलिए खड़े हैं ताकि वो हमारे इंस्पिरेशन है, उनसे हम देख के बहुत कुछ सीखना चाहते हैं, और हमारे इंडिया के लिए उन्होंने बहुत कुछ कराया है, स्टूडेंट्स के लिए कराया, यूथ के लिए कराया,
आप क्यों देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री को? इतनी दूर से देख लेंगे क्या हो जाएगा? नहीं नहीं, ये हमारे राष्ट्र के प्रधानमंत्री हैं और हम अपने प्रधानमंत्री का जो है स्वागत करने के लिए आए हुए हैं। आज उनका नामांकन है और वाराणसी नगरी में आए हुए हैं, तो हम खुद चाहते हैं कि जो है हम एक बार अपना फेस टू फेस उनको देखें और देख करके जो एक उत्साह मिलता है वो हम जो है एक उत्साह के लिए। तीसरी बार सांसद बन जाएंगे यहाँ से प्रधानमंत्री? ऑब्वियसली बनेंगे और हमेशा वो बनते ही रहेंगे, हमेशा ही बनते रहेंगे जब तक यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। जब तक लड़ेंगे तब तक यहाँ से बनते रहेंगे जी। ऐसा क्या है काशी के लोगों के लिए, ऐसा क्या कर दिया प्रधानमंत्री ने कि बार बार उनको जिताएंगे? अरे बहुत सारा काम किए हैं मोदी जी। कुछ मुझे बताइए तो, मुझे नहीं ध्यान है। अरे क्यों, आपको नहीं पता है? आप बताइए क्योंकि आप काशी के रहने वाले हैं। अभी ये दुगुना वोट से इस बार चुनाव जीते हुए। शुक्रिया पहले जो प्रतिमा थी उस प्रतिमा को और भी अच्छे से उन्होंने जो है सजोया है, संवारा है और काशी में जो लोकेलिटीज जो थी, जो हमारे जो संस्कृति थी उस चीज़ को और भी अच्छे से उन्होंने जो है ना दिखाया है। तो है। मैं वापस यहाँ लोगों से बात का नामांकन के अवसर पर यहाँ पर आए थे हम लोग, सब भगवान से प्रार्थना किया है और उनके लिए सुंदर भविष्य की कामना किया है कि उनका जो कॉल है कि अब की बार 400 पार करेंगे और भारत का तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, यही प्रार्थना करने के लिए आए हैं, शुभकामना देने के लिए आए हैं। शिंदे साहब, भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, उनको जवाब इस देश की जनता देगी। यहाँ पर इसे मोदी जी ने प्रायोरिटी दी है और गांधी जी ने जो विकास के एंटी डेवलपमेंट, ये उनका रवैया है। यहाँ पर एक तरफ देशभक्ति है, दूसरी तरफ आप देखते हैं जो नीति नहीं है। इस वक्त आप देख सकते हैं एकनाथ शिंदे और रामदास अठावले दोनों जो कि इस नामांकन के लिए पहुंचे थे प्रधानमंत्री के। अठावले जी क्या लग रहा है इस बार 400 पार का नारा इस नामांकन के बाद और बुलाया? तो मतलब एक तो हम नहीं मानेंगे हार, नरेंद्र मोदी जी नहीं मानेंगे हार, हम करेंगे 400 पार, तो ये 400 पार हम करने वाले हैं। हमेशा गंभीरता से उन्होंने निभाया, ऐसे में उनका नहीं रहना और चुनाव के दौरान उनका जाना यकीनन उनकी कमी हमेशा खलेगी। बिल्कुल चिराग पासवान, एक मिनट एक करके। इस वक्त हमारे साथ में चिराग पासवान जी मौजूद है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नामांकन हुआ। चिराग जी से हम पूछेंगे, चिराग जी प्रधानमंत्री अपना नामांकन करके तुरंत अभी यहाँ से निकले हैं, क्या कुछ? नहीं बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी के नामांकन में हम तमाम एनडीए के सहयोगी दल हम लोग आए थे और मुझे लगता है हमारे गठबंधन की ताकत ही यही है कि जिस तरीके से पूरा एनडीए एक साथ एकजुट है, ऐसे में जहां एक तरफ बटा हुआ विपक्ष आप देखते हैं, तो ऐसे में हम लोग का विश्वास कि जो लक्ष्य प्रधानमंत्री जी ने दिया वो सरलता से पार कर लेंगे, क्योंकि ये हम लोग की ताकत है एकजुटता। ये एनडीए का एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन भी कहा जाए कि एनडीए का शक्ति प्रदर्शन था ये? आप इसको शक्ति प्रदर्शन बोल लीजिए, मैं इसको मेरा समर्थन मेरे प्रधानमंत्री जी के प्रति बोल। 400 पार यकीनन। बिल्कुल, तो चिराग पासवान को भी आपने सुना जो साफ तौर पर 400 पार का पुख्ता यहाँ संदेश देते हुए दिखाई दे रहे हैं। विजय उमेश के साथ सृष्टि पांडे, रिपब्लिक भारत। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इस वक्त हमारे साथ। एकनाथ जी, इस नामांकन के बाद क्या चुनाव की तस्वीर और बदलेगी? ये नामांकन जो ऐतिहासिक नामांकन है आज काशी में यहाँ पर हो रहा है, वाराणसी में हो रहा है, ये हमारे पूरे देशवासियों के लिए बहुत बड़ी बात है, सौभाग्य की बात है। जो देश में ने दुनिया में सबसे पॉपुलैरिटी पे नंबर एक पे रहे प्रधानमंत्री मोदी जी का नामांकन हो रहा है, इससे देश भर में खुशी का माहौल है। इससे 2014, 2019 ये सब रिकॉर्ड टूटेंगे। महाराष्ट्र की सीटें? महाराष्ट्र हमारा मिशन 45, हम सक्सेस करेंगे। और 400 पार भी सक्सेस होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद एकनाथ शिंदे जी। एकनाथ शिंदे जो कि नामांकन के लिए पहुंचे हैं और खास रिपब्लिक भारत से बात करते हुए उन्होंने कहा 400 पार मिशन है, पूरा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर पहुंच चुके हैं और देखिए कैसे ये सभी लोग अपने मोबाइल के कैमरे में उनकी एक तस्वीर कैद करना चाहते हैं। भले ही प्रधानमंत्री इनसे दूरी पर हो लेकिन उसके बाद भी देखिए इनका उत्साह नहीं कम हो रहा है और अपने मोबाइल में तस्वीर कैद करना चाह रहे हैं। ये चाहते हैं कि अपने प्रधानमंत्री को एक बार देख सके। प्रधानमंत्री के लिए खड़े हैं
बिल्कुल बिल्कुल उनके देख लिया। निकल गए अभी कहाँ देखे देखने के आसपास देखा अभी नहीं देखा। बेटा के लिए खड़े हैं काशी के बेटे के लिए खड़े हैं। क्या किया है काशी के बेटे ने काशी के लिए? अरे बहुत कुछ किया है, इतना कर दिए कि उतना कोई किया ही नहीं आज तक। तीसरी बार नॉमिनेशन कर दिया है, आप लोग कैसा महसूस कर रहे हैं? 5 लाख वोट से विजयी होंगे। 5 लाख? 5 लाख से जिताएंगे? 5 लाख से। ज्यादा से ज्यादा लोग वोट करने जाएं, इसके लिए आप क्या करेंगे, लोगों से क्या कहेंगे? सबको प्रताड़ित करेंगे हम लोग, सब लोग बैठा के ले जाएंगे, लोगों को वोट डलवाएंगे। अब की बार 400 पार करना है। 400 पार करना है? हाँ। बहुत लोग तो कह रहे हैं 400 पार के 450 हो जाएगा। अरे 450 हो जाए अति उत्तम है, अति उत्तम है। अब राहुल को शादी ब्याह करना चाहिए, कहाँ है इस सबके चक्कर में पड़े हैं। अच्छा, तो उनकी शादी की उम्र हो गई है।